are watching Delhi News. दोस्तों मोहम्मदी ओल्ड टिम्बर मार्केट जो एमएस अली रोड पे है बिलाल मस्जिद के सामने, आपको पता होगा 25 जनवरी को यहाँ पर आग लगी थी। आग इतनी खतरनाक थी कि कई घंटों लगे फायर ब्रिगेड को बुझाने के लिए, और उनके पास पानी नहीं था, 48 घंटा लगा और पानी नहीं था, जिसके वजह से जो है आग और बढ़ती गई। और बहुत सारी बातें ऐसी थी, बाजू में ही पानी का जखीरा था मगर फायर ब्रिगेड वहाँ से लाने में सक्षम नहीं हुई। बाद में कुछ लोगों की उससे वहाँ से पानी लिया गया, बहुत देरी हुई पानी लाने, फायर ब्रिगेड लाचार खड़ी थी। वो दिन था जब सबका जो है टिम्बर का लकड़े का पूरा जल के खाक हो गया था। 100 साल पुरानी टिम्बर मार्केट थी यहाँ पर। आज 28 मई BMC ने आज इनका जो है यहाँ पर आके डेमोलिश कर दिया है। बात करते हैं यहाँ पर, सर आपका नाम? दशरथ भाई जी। दशरथ भाई क्या हुआ है? ये हमारी 100 साल पुरानी मार्केट थी और उसमें 25 तारीख को रात को दिन में सर्वे करके दो आदमी आए। 25 जनवरी को दिन में सर्वे करके गए कि तुम्हारा दुकान कितना है, कितना स्क्वायर फीट है, वो सर्वे करके गए। और उसी दिन रात को उन लोग कैसे आग लग गई, 2 बजे रात को, 2 बजे ना कोई खाना पकाता है, रात को 9 बजे कोई जागते रहता है, अचानक आग रात को 2 बजे लग के पूरा हमारे 60 दुकान का पूरा लाखों रुपया करोड़ों का सब माल सामान जल के सब दुकान का साफ हो गया। उसके साथ में हमारी दुकान भी जली गई। आज इतने साल से, 100 साल से हमारे बाप दादा 4 पीढ़ी से यहाँ बैठते हैं और हमारा सब सामान इधर जल के ये हो गया। हम पूरे फुटपाथ पे आ गए और उसके बाद में हमने BMC को कॉन्टेक्ट किया कि भाई हमको यहाँ बैठने के लिए कुछ करने के लिए परमिशन दिया जाए। उसके लिए हमने बोला कि भाई परमिशन के लिए करते हैं, तो हमको 3 महीने से वो लोग परमिशन के लिए इधर उधर घुमा रहे। अभी बारिश आने का टाइम था तो हम लोग बोले कि कोई टेम्पररी करके हम लोग यहाँ बैठे कि बारिश में कम से कम बैठने की, माल सामान भीगने की और वो सब होने की नहीं होए, इसलिए हम थोड़ा टेम्पररी बांधे थे। हमारा जूना जो लोखंड था और जो इसमें था उसमें ही बनाए थे, मगर उन्होंने आके हमको 6:30 बजे अगले दिन नोटिस दिया और दूसरे दिन सुबह 9 बजे आके तोड़ दिया। वो भी नोटिस खाली गेट पे चिटकाए। अगर किसी को इंडिविजुअल नोटिस, अभी कोई पुणे गया था, कोई बाहर गया था, कोई काम से गया था, उनको तो मालूम ही नहीं है। वो तो शाम को आए तब मालूम पड़ा कि हमारी दुकान नहीं है। अभी कैसे आदमी को करेगा, उसका तो बेचारा कैसे कैसे करके ये किया था। इस बाज़ार के अंदर, ये बाज़ार के 400 फैमिली नपते, मतलब उसका पूरा 400 फैमिली खिला निकालने वाले से, लेबर से, मुकादम से, सेठ से, हाथगाड़ी वाले से, बरसिन काटने वाले से, लकड़ा काट सबका भी, किसी का भी आज 4 महीने से रोजी नहीं है, सब ऐसे ही बैठे फुटपाथ पे। आप बता रहे 100 साल से दुकान है, तो कभी ऐसा हादसा हुआ इन 100 सालों में? कभी 100 साल पहले तो जब ये हमारे लेबर लोग इधर रहते थे तभी कोई गैस चूल्हा नहीं था, तो लोग लकड़े से खाना पकाते थे, तो भी ये नहीं हुआ था। और अचानक ऐसा सर्वे होने की रात को ही क्यों हुआ, तो उसके लिए हमको डाउट है कि भाई कोई इसके पीछे है और वो साजिश के अंदर बिल्डर होवे या जो भी होवे, वो साजिश के अंदर मिला हुआ है और हमारा इसके साथ में ये सब खाली करवाने के लिए या किसके लिए वो लोग कर रहे हैं। उसके साथ में BMC भी इन्वॉल्व है और BMC 12 घंटे की खाली शॉर्ट नोटिस नाइट की 6:30 बजे दिया और सुबह 9 बजे तोड़ दिया। एक नोटिस और आई थी आपने बताया 22-23 तारीख, वो 22 तारीख को आई थी, वो पहले उनका स्टॉप वर्क नोटिस था, उसके अंदर हमको ऐसा नहीं लिखा आपको तोड़ देंगे ऐसा नहीं लिखा हुआ था, नोटिस कर दिए थे वो। जी बोलिए। वो जो था हम लोगों ने सब स्टॉप कर दिए थे वर्क, उसके बाद एक भी काम नहीं हुआ। फिर इसके बाद जो लोग ने कल शाम, हाँ स्टॉप नोटिस थी, हम लोगों ने काम बंद कर दिए। उसके बाद जो है कल शाम को 6:30 बजे चिपका के गए, हैंड बाय हैंड भी किसी को नहीं दिए, जैसे काका ने बोले कोई पूना गया था, कोई कहाँ था, किसी को मालूम भी नहीं था। और इधर आए तो रात को आए तो छत भी गुले हमारी, कुछ भी हमारे पास है नहीं अभी आज की तारीख में, यहाँ पे एकदम बंगार में खड़े है। अरे आके खड़े रहने के बाद आदमी को लगता है इसमें क्या काम कर सकेंगे, एक तो आदमी पहले से मरा हुआ था और उसके ऊपर फिर से BMC वाले मार रहे, और वो भी नोटिस देने के बाद। बोलना तो चाहिए कि भाई हमको इतना घंटे का टाइम, रिप्लाई का हम लोगों को कुछ वक्त भी नहीं दिए, एटलीस्ट एक 24 घंटे देते पूरे रिप्लाई के लिए या 48 आवर्स, या मेरे जहाँ तक मेरे को मालूम है स्पीक नोटिस के बाद 1 हफ्ता कम से कम मिलता है जवाब देने के लिए, वो भी नहीं दिए। अब इसके पीछे क्या है, कौन सा पावर है, कौन सी ताकत है इसके पीछे, हमको तोड़ा रात को 6:30 बजे, कल शाम को 6:30 बजे वो लोग नोटिस छिटका के गए। इंडिविजुअल देना चाहिए था, इंडिविजुअल दिया नहीं, सिर्फ एसोसिएशन को नोटिस डाल दिया उन्होंने, और 6:30 बजे कल रात को, उसके बाद में आज 9:30 बजे ये जो हुआ है। ये 6:30 बजे BMC का नोटिस देने का मकसद क्या है, वर्किंग आवर सुबह 10 बजे चालू होता है। मेरा सवाल ये, सुबह 10 बजे से आप लोग सो रहे थे,
रात को 6:30 बजे नोटिस क्यों दे रहे हैं कि आदमी कोर्ट मूव नहीं कर सकता है, किधर भी नहीं कर सकता है। मतलब ये प्री प्लान के साथ हुआ, इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है। घर चला जाता है ना आदमी, शाम को 6 बजे के बाद तो घर चला जाता है, उसको क्या मालूम 6:30 बजे। एक बात बताइए, बाजू में भी सारा ये सब बना हुआ है तो वो क्यों नहीं टूटा, उसका क्या स्टे ऑर्डर आपने बताया? वो स्टे ले लिए है, उसका स्टे हुआ, हम भी स्टे के लिए जा रहे थे, हमको उन्होंने मौका ही नहीं दिया स्टे के लिए। 6:30 बजे चिपका के गए, सुबह 10 बजे कोर्ट खुलता है, 9 बजे तोड़ने आ गए, कैसा स्टे लेने जाएंगे? नहीं, वो मैंने अभी ऑर्डर पढ़ा, उसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि आपको यर्निंग के लिए टाइम मिले। हम लोग के बिहाफ में भी वो स्टे था बॉस, ऐसी बात नहीं है। मार्केट नंबर 1 एंड बाद में अदर्स जो था ना, उसके हिसाब से जो फायर जिसका भी हुआ था उसमें हुआ था, पर वो लोगों को प्रॉपर डिटेल में चाहिए था, वहाँ पर रिकरेक्शन के लिए हम लोग का टाइम नहीं मिला था। इट वॉज लाइक दैट एक्चुअली। नहीं, मगर ये तो वही डिपार्टमेंट है, वही ऑफिसर हो गए ना, अगर आप लोग नहीं बताए थे तो उनको तो पता होगा कोर्ट का ऑर्डर पता है ना, उनको पता है बस, लेकिन अभी पीछे क्या पावर है, कोई ताकत है, कोई तासुब है, क्या है, उनको तोड़ना ही था। हमारा यही ऑफिसर रिप्रेजेंट किए होंगे ना, एक ही गाला एक दुकान है, एक को स्टे मिल गया, एक को नहीं मिला। और बिल्डर मनोज का काम है, वही सब करा रहा है। कौन है ये मनोज बिल्डर? मनोज बिल्डर, क्या नाम है उसके कंपनी का? गोल्डन रियल्टी वाला। गोल्डन रियल्टी, उसका क्या लगा, जगह उसकी है? उसकी लैंडलॉर्डशिप उसने ऐसा सुनाई में आया कि लिया है, मगर वो अभी क्या है, उसका बोर्ड लगा था आगे, ट्रस्ट से लिए हुए है शायद, ट्रस्ट से उनका डीए हुआ है, क्या हुआ है वो, अब हम लोग उसके पीछे लगे हुए तपासने के, इंशाल्लाह मालूम पड़ जाएगा वो भी के क्या। ये लोग हम सबको भगाना चाहते हैं यहाँ से, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारी मदद करें। मुझे एक बात ये बोलना है कि कुछ साल पहले ग्लोरिया कॉन्वेंट के स्कूल के बाहर टिम्बर मार्केट में आग लगी, वहाँ पे टिम्बर को उनको शॉप खड़े करने का मौका मिला, जबकि ग्लोरिया कॉन्वेंट स्कूल का वहाँ पे बहुत ऑब्जेक्शन था, वहाँ बन गई दुकान और हमारी दुकान क्यों नहीं बन रही है? वहाँ के लिए कायदा अलग, हमारे लिए कायदा अलग, हम 3.5-4 महीने इनके पीछे दौड़े, हमको कोई बनाने का परमिशन क्यों नहीं दिया गया? हम लोग भी तो ये जगह पे है आज सालों से, 100 साल हो गए तकरीबन, फिर भी हमारे लिए कायदा अलग, प्रशासन हमारी क्यों हेल्प नहीं किए? अब हम सरकार से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी हेल्प करो, हमको हमारा जो है रिपेयर करके हमारी जगह खड़ा करने दो गाला, ताकि हमारे रोजी रोजगार चालू है, हमारे बाल बच्चे भूखा मरेंगे। सरकार यही विकास कर रही है क्या? यही हमारा सवाल है कि हमारे को मदद करें, क्योंकि इसमें BMC बिल्डर से मिली हुई ऐसी हमको पूरा शक है और ये साजिश का हिस्सा है। दोस्तों, 25 तारीख को जो हुआ था जनवरी में, आग लगी थी वहाँ पर, कई इल्ज़ाम लगे थे कि भाई ऐसा नहीं होता, 100 साल हो गया, इन्होंने कहा कि उस टाइम लकड़े की बाजार थी और लोग वहाँ पर लकड़े पे खाना बनाते थे, कभी नहीं हुआ। एक दिन पहले कुछ लोग आते हैं मापने के लिए और जो बिल्डर के आदमी बता रहे, क्या नाम बताया था? मनोज बिल्डर, मनोज। वो बिल्डर के इन्होंने कहा कि आदमी आके माप रहे थे, उसी रात को आग लगता है, कहीं ना कहीं कुछ एक षड्यंत्र का रास्ता रखता है। और दूसरी बात कि आज भी एक प्लॉट पे आप देख सकते हो, एक ही प्लॉट, एक ही जगह, एक ही डिमर मार्केट, वहाँ पे स्टे आ गया, वहाँ पर वहाँ का स्टे आ गया, वहाँ की कार्रवाई, यहाँ पर कल रात को शाम को 6 बजे के बाद नोटिस चिपका के जाना और उसके बाद जो है रात भर जाती है ताकि कोर्ट नहीं जाए और यहाँ पर सुबह सुबह पुलिस के साथ आके यहाँ पर थोड़ा कार्रवाई करना, कहीं ना कहीं एक इनके मन में ऐसा है कि कहीं ना कहीं बिल्डर की साजिश है। BMC ने लगभग कोर्ट के आदेश का उल्लंघन भी किया है, इसके अंदर पैरिटी नहीं की है। BMC को पैरिटी करना चाहिए, पैरिटी का मतलब होता है जो उनके साथ कायदा हुआ है हमारे साथ भी होना चाहिए, भले वो लिखा हुआ नहीं है, हम भी लेकिन उसके अंदर ही आते हैं। तो BMC ने हमारा साथ जरा भी नहीं दी, BMC ने गलत करी है, अब क्या प्रेशर में करिए वो हमको नहीं मालूम, या ईगो में करिए, वो सब BMC के कार्रवाई के अंदर बहुत प्रॉब्लम था आज। बहुत बहुत शुक्रिया, गलियों से बात करने।